हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो फ़ोन है तो वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शन है तो ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शन को आप कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जो फ़ोन की सेटिंग्स है इस तरीके से ओपन आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शन है तो ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शन को आप कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं वीवो फ़ोन में। सिंपल, आपके फ़ोन की सेटिंग शो हो रही है तो आपको सर्च करना है ऑटो रोटेट स्क्रीन। तो ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शन आपका ओपन ही आएगा, जहाँ से आप इस तरीके से इसको ऑन कर सकते हैं। ऑन करते जो आपकी ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शन है ऑन हो जाएगा, इससे अपने फ़ोन में आप फ़ोन की स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल में। जो हमारा फ़ोन है रोटेट हो जाता है ऑन करते ही, ऑफ़ कर देंगे तो रोटेट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप फ़ोन ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शन को ऑन ऑफ कर सकते हैं वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पर जाकर। अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप फ़ोन की डिस्प्ले ब्राइटनेस सेटिंग्स पर जाकर भी ऑटो रोटेट स्क्रीन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे फ़ोन के आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन आएंगे। सेटिंग्स पे जाएंगे, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शन है तो ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शन को आप ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल, आपके फ़ोन की सेटिंग शो हो रही है तो आपकी सेटिंग शो हो रही है तो आपको डिस्प्ले पर क्लिक करना है। डिस्प्ले ब्राइटनेस सेटिंग्स ओपन आएगी, फिर जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शन है आप उसको ऑन कर सकते हैं। ऑन करते ही जो भी स्क्रीन है उसकी रोटेट हो जाती है, ऑफ़ कर देंगे तो रोटेट नहीं होगी। तो आपको वीडियो चाहिए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।